नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पटना की तरह अन्य जिलों में भी लोगों को रैपिडो, ओला और उबर की मिलेगी सुविधा। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बढ़ रहा उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा। पुरी के जगन्नाथ यात्रा की तर्ज पर इस्कॉन मंदिर पटना से निकाली गई रथ यात्रा। कैमूर से भारी मात्रा में शराब जब्ती के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार। 43 साल के हुए माही, बड़े से बड़े खिलाड़ी वो बॉलीवुड स्टार्स ने भी किया बर्थ। 43 साल के हुए माही, बड़े से बड़े खिलाड़ी वो बॉलीवुड स्टार्स ने भी किया बर्थ डेविस। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना की तरह अन्य जिलों में भी लोगों को रैपिडो, ओला और उबर की मिलेगी सुविधा। राजधानी पटना में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए ओला, उबर, रैपिडो जैसे परिवहन की सुविधा मिल जाती है। अब पटना के अलावे बिहार के अन्य जिलों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस तरह के एग्रीगेटर सर्विसेज उपलब्ध कराने को लेकर ओला, रैपिडो, उबर जैसे कंपनियों के साथ बैठक की है। इन सभी कंपनियों को सर्विसेज की शुरुआत करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी ने भरोसा भी दिलाया है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बढ़ रहा उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बिहार की गंडक और कोसी नदी में भारी उफान देखने को मिल रहा है। सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही कोसी में 1.55 लाख क्यूस के जबकि गंडक में 1.35 लाख क्यूस के पानी बढ़ गया है। इससे नेपाल के तराई इलाके और उत्तर बिहार की नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश से गंडक, कोसी के अलावा बागमती, अधवारा, महानंदा नदियों के जलस्तर में भी सबसे तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अगले 24 से 72 घंटों के अंदर इन नदियों के कई स्थानों पर खतरे के निशान के पार होने की संभावना जल संसाधन विभाग की ओर से जताई जा रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बिहार में 2640 आवेदन प्राप्त हुए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 2024-25 शैक्षणिक सत्र के अंतर्गत अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कुल 2640 आवेदन यहां प्राप्त हुए थे। अभिभावकों वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में DEO डॉक्टर ओम प्रकाश द्वारा ऑनलाइन लॉटरी के जरिए 1409 बच्चों का स्कूल का आवंटन किया गया। प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग के निदेशक प्राइमरी एजुकेशन मिथिलेश मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पटना DM ने जनता दरबार की सुविधा को ऑनलाइन किया बहाल। पटना जिले के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिला के लोगों की फरियाद सुनने के लिए जनता दरबार लगाने का फैसला किया है। ये जनता दरबार हर गुरुवार को लगाए जाएंगे। जनता दरबार में अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट jilajantadarbar.nic.in पर जाना होगा। आवेदन के दौरान आपको अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और आवेदन की एंट्री करनी होगी। इस पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। जनता दरबार को ऑनलाइन बहाल करने के बाद पटना DM ने बताया कि दरबार को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। फरियादियों को उनके आवेदन की स्थिति की जानकारी पोर्टल पर आसानी से मिल सकेगी। बिहार में हजारों करोड़ की सड़क परियोजना पर मंडरा रहा संकट। करीब 50,000 करोड़ की बिहार में सड़क परियोजना पर संकट मंडरा रहा है। बिहार में सड़क में वन भूमि के उपयोग के बदले वन विभाग को गैर वन भूमि देने की सरकार की शर्त गले की हड्डी बनी हुई है। दरअसल बिहार में केंद्र सरकार के नए नियम की वजह से सड़कों के निर्माण में राज्य सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुराने नियम के मुताबिक सड़क निर्माण में जितने पेड़ों को काटा जाता था उससे दोगुने पेड़ लगाने के लिए सरकार की ओर से वन विभाग को पैसे देने होते थे, लेकिन नए नियम के मुताबिक इनमें जितना भूमि सड़क निर्माण में इस्तेमाल हुआ है उतना भूमि वन विभाग को देने की शर्त जोड़ दी गई है, जिसका राज्य सरकार ने उस वक्त भी विरोध किया था। वहीं अब भी यह राजमार्ग के निर्माण की रफ्तार पर ब्रेक लगने का कारण बना हुआ है। पुरी के जगन्नाथ यात्रा की तर्ज पर इस्कॉन मंदिर पटना से निकाली गई रथ यात्रा। ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ जी की मान्यता दूर दूर तक फैली है। भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण, जिसे हम जगन्नाथ जी के नाम से भी जानते हैं, उनके दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। यहां से हर साल निकलने वाला रथ यात्रा लोगों के बीच सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी के तर्ज पर पटना के इस्कॉन मंदिर से भी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। इस संबंध में पटना इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष कृष्ण कृपा दास द्वारा
बताया गया कि श्री जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर इस्कॉन मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। रथ यात्रा को लेकर रथ को फूलों से सजाया गया। आगे हरे कृष्ण के साथ साथ जगन्नाथ, जय बलदेव और जय सुभद्रा भी लिखा हुआ था। सरकारी भवनों की बनेगी मेंटेनेंस पॉलिसी। भवन निर्माण विभाग प्रदेश के सभी सरकारी भवनों के मेंटेनेंस की पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कई सरकारी भवनों की हालत जर्जर हो चुकी है। ऐसे में इन भवनों के मरम्मत होने पर उसे बेहतर बनाने की तैयारी है। जर्जर सरकारी भवनों से हादसे की आशंका अधिक है। प्रदेश में सड़कों के लिए पथ निर्माण विभाग मेंटेनेंस पॉलिसी बना रहा है। इसी के तर्ज पर अन्य विभाग भी अपने यहाँ मेंटेनेंस पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी भवनों के पूरे परिसर में इस मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत साफ सफाई, पेड़ पौधे का रख रखाव, भवनों के सुरक्षा के साथ ही उसे व्यवस्थित रखना भी शामिल है। आने वाले 1 से 2 साल में सभी जिलों में पुलिस लाइन की सुविधा बहाल करने की तैयारी। आने वाले 1 से 2 साल में प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस लाइन की सुविधा बहाल करने की तैयारी है। इसे बनाने की तैयारी बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा की जा रही है। इस संबंध में पटना निगम के DG सह CMD विनय कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किशनगंज, अररिया और गोपालगंज में पुलिस लाइन के लिए जमीन चिन्हित कर निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा मधुबनी, मधेपुरा और बगहा में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए टेंडर निकाला गया है। शेखपुरा में भी पुलिस लाइन बन रही है। ऐसे में आने वाले 1 से 2 सालों में सभी जिलों में पुलिस लाइन होने की उम्मीद है। इस साल मुजफ्फरपुर बाईपास पर आवागमन शुरू होने की संभावना। बिहार में मॉनसून की वजह से चल रहे कई प्रोजेक्ट का काम धीमा पड़ चुका है। हालांकि इस साल मुजफ्फरपुर बाईपास का निर्माण पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। इस बाईपास के निर्माण से मुजफ्फरपुर में जाम की समस्या से निजात तो मिलेगी, साथ ही साथ आसपास के जिलों पर पड़ोसी देश भी जाना आसान हो जाएगा। इसके निर्माण से पटना से नेपाल, पूर्णिया सहित गोपालगंज होकर उत्तर प्रदेश आने जाने वालों को काफी फायदा मिलेगा। संभावना जताई जा रही है कि इसी साल मुजफ्फरपुर बाईपास पर वाहनों का आवागमन शुरू हो जाए। आपको बता दें कि यह बाईपास हाजीपुर मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे 77 का हिस्सा है। इसका निर्माण 180 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। कैमूर से भारी मात्रा में शराब जब्ती के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार। बिहार के कैमूर में एक्साइज और एंटी लिकर की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई कुल्हड़िया मोड़ के पास बिहार सरकार लिखी इनोवा कार से शराब की यह जब्ती की है। इस दौरान कुल 297 लीटर अंग्रेजी शराब की जब्ती हुई। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये तस्कर कभी प्रेस का लोगो तो कभी पुलिस का लोगो अपनी गाड़ी पर लगाकर इस तरह के कांड कर चुके हैं। अब इस बार इन्होंने बिहार सरकार का लोगो लगाकर तस्करी को अंजाम देने की कोशिश की थी। मामले को लेकर उत्पाद अधीक्षक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि बॉर्डर के रास्ते बिहार में शराब की तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार चालक वैशाली जिला के महुआ थाना क्षेत्र के कानपुर गांव निवासी राम नरेश प्रसाद गुप्ता का बेटा राकेश रोशन बताया गया है। मामले को लेकर आगे की पूछताछ जारी है। पटना कोर्ट में हाथरस घटना के भोले बाबा पर हुआ परिवाद दायर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की घटना का मामला अब बिहार तक पहुंच गया है। बिहार की पटना सिविल कोर्ट में शनिवार को भोला बाबा उर्फ नारायण सरकार से मशहूर सूरजपाल सिंह को मुख्य आरोपी बताते हुए उसके खिलाफ परिवाद दायर हुआ है और उसके खिलाफ कई धाराओं पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है। बता दें कि हाथरस घटना में 123 लोगों की जान चली गई थी। यूपी के रिहंद डैम पर नीतीश सरकार करेगी अपने अफसर तैनात। उत्तर प्रदेश के रिहंद डैम पर बिहार की नीतीश सरकार अपने अधिकारी को तैनात करने जा रही है। वहां से मिलने वाली पानी की ये अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा केंद्रीय जल आयोग का फैसला आने तक रिहंद जलाशय पर पूरी पटवन अवधि में अपने अधिकारी तैनात करने का फैसला लिया गया है। दरअसल इस बार पटवन के लिए बिहार को उसके कोटे से मिलने वाला आधा पानी नहीं मिल पाया, जिस वजह से किसानों को सिंचाई के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसे देखते हुए नीतीश सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां देने का सीएम नीतीश ने किया ऐलान। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएगी। यह दावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। शनिवार को रुपौली में उपचुनाव को लेकर जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल के समर्थन में जनसभा करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि सरकार ने बिहार में 22,48,000 रोजगार देने का लक्ष्य पूरा कर लिया है और 2025 तक राज्य सरकार द्वारा 10 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा कर लिया जाएगा।
जबकि अब तक 5.15 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। वहीं 2 लाख नौकरियां पाइपलाइन में हैं। जन सुराज में राजद कार्यकर्ताओं के जाने पर वायरल हो रहे इस पत्र को राजद ने बताया फर्जी। राजद पार्टी की तरफ से जारी किया गया एक आरोप पत्र वायरल हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि राजद पार्टी से कई लोग जन सुराज में जा रहे हैं। वहीं इस पत्र में जन सुराज को बीजेपी की बी टीम भी बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि ऐसी पार्टियों के बहकावे में ना आए। इस पर जन सुराज नेता काफी उत्साहित हैं और राजद को डरा हुआ बता रहे हैं। लेकिन अब इस पत्र को लेकर राजद का बयान सामने आया है। इस पत्र को राजद ने फर्जी बताया। इस मामले को राजद में मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि जिस पत्र का हवाला दिया जा रहा है वह पूरी तरह से फर्जी है। राजद ने ऐसी कोई चिट्ठी जारी नहीं की है। 43 साल के हुए माही, बड़े से बड़े खिलाड़ी वो बॉलीवुड स्टार्स ने भी किया बर्थडे विश। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन है। माही आज 43 साल के हो चुके हैं। इस अवसर पर उनके फैंस ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। माही के जन्मदिन पर फैंस में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। धोनी के फैंस के साथ ही कई बड़े खिलाड़ियों और यहां तक कि बॉलीवुड स्टार्स ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। सलमान खान ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए माही को बर्थडे विश करते हुए कहा है कि हैप्पी बर्थडे कप्तान साहब। वहीं सुरेश रैना ने भी अपने परिवार और धोनी व साक्षी धोनी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन के अवसर पर बधाई दिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है छोटू रजा, जितेंद्र ठाकुर, अमित कुमार, जहांगीर खान, कन्हैया कुमार, दीपक कुमार, नौसाद रजा, रवि मोहन वर्मा, अमित कुमार, सावन कुमार, राकेश मिश्रा, गोनर शर्मा, जितेंद्र कुमार सहनी, मधु झा, रवि कुमार राम। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके शहर में आवागमन का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के साथ तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।